तो एक्सेल के कस्टमाइजेशन में कस्टमाइजेशन एंड ट्रबल शूटिंग ठीक है जैसे हम एक्सेल में आप ये देख रहे हो कि हम कभी भी कुछ लिखते हैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुछ जब सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको तो एक मिनी टूल बार आती है यहाँ पे एडिटिंग के लिए ठीक है जी एक होता है इसमें जब हम कोई चीज़ सिलेक्शन करके कोई ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें प्रिव्यू दिखता है क्लिक करने से पहले इसको कहते हैं लाइव प्रीव्यू तो मान लो आपकी मिनी टूल बार या लाइव प्रीव्यू ना चल रहा हो तो यह ऑप्शन होता है आपका फाइल में ऑप्शन में जनरल के अंदर शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन ये यहां पे इसकी सारी सेटिंग होती है एक्सेल की तो अगर ये अनचेक होता है तो क्या है आपको मैं लिख रहा हूँ मिनी टूल बार नहीं आएगी ऐसे ही इसमें इनेबल लाइव प्रीव्यू अगर अनचेक रहेगा तो वो हमारा लाइव प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा ठीक है कोई भी डेटा होता है क्विक एनालिसिस ऑप्शन हमें सिलेक्शन पे दिखाता है ये 2013 में ही ऑप्शन होता है क्विक एनालिसिस कहाँ होता है जैसे कोई भी डेटा होता है आपका तो यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको क्विक एनालिसिस कहते हैं तो ये ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है आपके 2013 में तो आपका जो ऑप्शन है वो जनरल में जाके ये डिसेबल हो सकता है ठीक है जी स्क्रीन टिप नहीं दिखा रहा है तो स्क्रीन टिप की सेटिंग यहाँ है शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन ऑन स्क्रीन टिप डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन डोंट शो स्क्रीन टिप तो इस तरह की सेटिंग है जैसे हम किसी भी ऑप्शन पे जाते हैं तो ये हमारे पास एक स्क्रीन टिप आती है अगर ये ना आ रही हो तो उस ऑप्शन को जाके हम चेक एंड चेक कर सकते हैं आप देख रहे हैं मैंने एक नई वर्कबुक खोली थी जिसमें चार शीट है और फॉन्ट एरियल है फॉन्ट साइज टेन है तो इसको हम डिफॉल्ट दे सकते हैं फाइल ऑप्शन जनरल के अंदर आप यहां से अपना फॉन्ट चूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं व्यू कौन सा होना चाहिए वो चूज कर सकते हैं और कितनी शीट इसके अंदर डिफॉल्ट में होनी चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं एक से लेकर 255 तक शीट आप दे सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट में रहेंगी जो भी हम सेटिंग अप्लाई करेंगे पूरी एक्सेल एप्लीकेशन पे होगी मतलब आपके कंप्यूटर में कोई भी एक्सेल फाइल खुलेगी तो सारी की सारी सेटिंग सेम रहेगी आपके उसमें ये वाली सेटिंग किसी और के कंप्यूटर पर नहीं मिलेगी ये आपके अपने कंप्यूटर के लिए एक एक्सेल एप्लीकेशन के लिए होती है तो अगर आप वो फ़ाइल किसी को मेल भी कर रहे हैं तो ये सेटिंग नहीं जाती है। दूसरा इसमें फार्मूलाज फार्मूला में हमारे पास दो कैलकुलेशन मोड दिए हैं ऑटोमेटिक मैनुअल। एक बीच में और है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल तो बेसिकली ऑटोमेटिक और मैनुअल दो मोड हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मोड क्या होता है कि जैसे की शीट में कोई हमारा फार्मूला पड़ा हुआ है ठीक है जैसे यहां पे मैंने लगाया एक सम का फॉर्मूला ठीक है तो जैसे ही आप शीट में कहीं भी कोई भी चेंज करते हैं जरूरी नहीं यहीं कहीं भी फॉर्मूला रिकैलकुलेट होता है ये आ गया तो कैलकुलेशन मोड अगर ऑटोमेटिक है तभी रिकैलकुलेट होता है किसी भी सेल में किसी भी जगह पे चेंज पे शीट पे अगर आप उसको ऑटोमेट मैनुअल में कर देते हैं मैनुअल में तो क्या है कि आप कोई भी जो चेंजेस करेंगे वो आपको इमीडिएट नहीं दिखाएगा इसके लिए आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं उसने फार्मूला टैब के अंदर भी यही ऑप्शन है आपके कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक और मैनुअल और जिसमें कैलकुलेशन ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि मैनुअल मोड में आपको कैसे करना है ये कैलकुलेट नाउ का बटन है तो जब आप इसको करोगे तो सारे फार्मूले कैलकुलेट होंगे कैलकुलेट नाव और कैलकुलेट शीट में क्या फ़र्क है कैलकुलेट नाव में जितनी भी शीट होंगी वो सारी कैलकुलेट होंगी और कैलकुलेट शीट में करंट शीट होगी अब इस ऑप्शन का फ़ायदा क्या है इसको यूज़ कहाँ करते हैं अगर आप बहुत मतलब एक हैवी फाइल के साथ काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपके दस हज़ार पचास हजार फार्मूले हैं तो वो फार्मूले क्या है कि आपका कैलकुलेशन करने में कुछ ना कुछ टाइम लेते हैं तो जब जैसे आपके दस हज़ार पचास हज़ार फार्मूले हैं और आप जैसे ही शीट में कुछ भी चेंज कर रहे हो वैसे ही वो दस हज़ार पचास हज़ार फार्मूले कैलकुलेट हो रहे हैं तो आपकी शीट क्या हो जाती है हैंग हो जाती है थोड़ी देर के लिए मतलब आप फार्मूला में नहीं चेंज कर रहे हो पर फिर भी वो हैंग होगी क्योंकि उसकी सेटिंग ऐसी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में वो अपने आप कैलकुलेट करता है। तो उसके दौरान ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं मैनुअल पे सेट कर लेते हैं और जो काम फाइल के अंदर करना है कर लेते हैं उसके बाद एक ही बार में कैलकुलेट करते हैं तो इसका हैवी फाइल्स के साथ यूज किया जाता है या अगर आपके सामने ऐसी दिक्कत आ जाए तो इसको आप जाके कैलकुलेट मोड को ठीक कर सकते हैं उसके बाद होता है इसमें एक इटरेटिव कैलकुलेशन इटरेटिव कैलकुलेशंस क्या होती हैं जैसे सर्कुलर रेफरेंसेस के बारे में आपने सुना होगा सर्कुलर रेफरेंसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को ही कॉल करते हैं अपनी ही सेल को जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया कि आ, नीचे वाली सेल में दस ऐड कर दो ठीक है फिर मैंने नीचे वाले में दे दिया कि ऊपर वाले में दस ऐड कर दो तो ये क्या हो गया बेस वैल्यू तो किसी के पास है नहीं ये आपस में ही एक लूप बन गया इटरेशन बन गई तो ये आपका सर्कुलर रेफरेंस हो जाता है तो एक्सेल के अंदर आपके पास एनेबल एट्रेक्टिव कैलकुलेशन एक मोड है जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी बार ये एट्रेशन हो सकती है ओके okay करेंगे तो ये जैसे सौ बार था तो सौ बार कैलकुलेट हो गया बेस वैल्यू ज़ीरो मान के तब तो आपका ये चलेगा ठीक है तो अब चाहे तो उसका ऑफ कर सकते हैं हालांकि इसका यूजेज नहीं होता है कहीं भी एक होता है एक्सेल में आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल एक आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल क्या होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है ए वन में कुछ लिखा है अगर मैं यहाँ से कॉल करूँ तो ये भी ए वन ए वन लिखूँगा वही वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कॉल करूँ तो ए वन ही लिखूँगा इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग <coughs> मतलब कि ये जो रेफरेंस नेम है ये आपके लिए एब्सोल्यूट है वही रहेगा पर अगर हम इसको R1 C1 मोड में देखें तो ये एक अलग सा रेफरेंस स्टाइल है जिसमें क्या करता है ऊपर ए बी सी डी को छोड़ के आपका बन जाता है वन टू थ्री फोर तो यहाँ हमने टाइप किया था ए वन इसमें दिखा रहा है आर माइनस टू सी माइनस फोर और उसी जगह उसको देखें हम तो यहाँ दिखा रहा है आर माइनस सेवन सी माइनस सिक्स ये होता क्या है इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ यहीं पे इक्वल टू किया और मैंने एक बार नीचे यही सेल सिलेक्ट कर ली तो सेम सेल का जो एड्रेस होगा आर सी मतलब आर जीरो कॉलम ज़ीरो रो जीरो कॉलम ज़ीरो एक कॉलम आगे बढ़ता हूँ तो आर जीरो कॉलम वन एक रो नीचे बढ़ता हूँ आर वन कॉलम वन तो जितनी रो नीचे जाएंगे उतने नंबर रो में बढ़ेंगे जितने कॉलम आगे जाएंगे उतने कॉलम में बढ़ेंगे इसी तरह रिवर्स के लिए यहाँ पर माइनस आ जाता है तो बेसिकली ये बताता है कि वो उससे कितना रो और कितने कॉलम दूर है ठीक है जी तो ये जो रेफरेंसिंग है वो रिलेटेड है इस सेल से इसलिए इसको रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं इस तरह की मेथडोलॉजी वी के अंदर यूज होती है एक्सेल में इसका कोई यूज नहीं है इसी तरह के दो चार आपके छोटे छोटे और भी ऑप्शन है फार्मूला ऑटोकम्प्लीट मतलब जो फार्मूला ऑटोकम्प्लीट आता है आपका वी करते हैं तो पूरा आपके फार्मूले खुल जाते हैं तो ये ऑटो कंप्लीट होता है अगर वहाँ से नहीं सिलेक्टेड है तो नहीं को आएगा इसके बाद जैसे हमें कई बार टेक्स्ट लिखना होता है और उसमें आगे ज़ीरो लिखना है मतलब नंबर में आगे मुझे ज़ीरो लिखना है तो मुझे क्या करना होता है एपोस्ट्रोफ लगाना पड़ता है फिर उसके बाद मैं लिख पाता हूँ इसमें जो आता है आपका ये बैकग्राउंड एरर एक आती है एक ग्रीन सा सिग्नल आया इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक एरर साइन आता है ये बता रहा है नंबर इन दिस सेल फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रोसीडिड बाय एम पोस्ट ऑप्शन भी देता है कन्वर्ट टू नंबर हेल्प ऑन दिस एरर तो ये बैकग्राउंड चेकिंग का सेक्शन आपका इधर होता है फार्मूला के अंदर जिसके अंदर आप इनेबल डिसेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग कर सकते हैं अब कई बार क्या है आपने जैसे सैप से डेटा लिया ई से लिया और एकल से लिया एस से लिया तो कई बार टेक्स्ट फील्ड आती हैं टेक्स्ट कॉलम करके लाते हैं तो इस तरह की एरर वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं जो कि इन रूल्स के अगेंस्ट होती हैं ये ये जो रूल है आपके इनके अगेंस्ट होती हैं यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं मैं ये क्यों बता रहा हूँ कई बार क्या होता है कि आपने हैवी फाइल डाउनलोड की है तो क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड एरर चेकिंग भी चलता रहेगा तो अगर उसमें डाटा ज़्यादा है तो ये भी आपका शीट को हैंग करेगा तो उस टाइम के लिए इसको डिसेबल किया जा सकता है जब ऐसे किसी सेक्शन के साथ काम कर रहे हैं ठीक है जी आगे देखते हैं कई बार क्या होता है कि हम लोग स्पेल चेक करते हैं इसमें मैं गलत स्पेलिंग डालता हूं इसमें एक गलत स्पेलिंग डालता हूँ कैपिटल में ठीक है तो आप देखेंगे कि F7 से आप स्पेल चेक कर सकते हैं या तो रिव्यू में जाके भी कर सकते हैं <coughs> तो इसमें जो सजेशन दिखा रहा है मुझे किसके लिए दिखा रहा है स्मॉल वाले के लिए अगर मैं इसको करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाता है तो अपर के लिए नहीं दिखा रहा तो कुछ सेटिंग होती है यहाँ पे हमारे पास किस में प्रूफिंग के अंदर जिसमें इग्नोर वर्ड इन अपर केस सिलेक्टेड है ऐसी ही दो चार सेटिंग और है तो इनको ऑफ करेंगे तो आपका अपर केस में भी स्पेलिंग चेक करने लगेगा और क्या होता है इसमें जैसे कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ सी टाइप किया मैंने कॉपीराइट में चेंज हो गया टीएम टाइप किया ट्रेडमार्क में चेंज हो गया इसी तरह से जहाँ ये सेटिंग है वहाँ मैंने ये भी दे दिया ऐसे टाइप किया तो ये आ गया तो मतलब जिनकी जहाँ ये डेफिनेशन सेव है या मैं इसको टेम्परेली ऑफ करना चाह रहा हूँ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो सारा काम होता है वो आपका इसके कारण होता है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप तो आप ये टाइप करोगे तो इससे रिप्लेस हो जाएगा ये टाइप करोगे इससे रिप्लेस हो जाएगा तो इसको अगर आप ऑफ कर दोगे एक तो रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप वाला बंद हो जाएगा पर अगर आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो और उसकी डेफिनेशन यहाँ पर ऐड का बटन आ जाएगा ऐड कर सकते हो तो वो टाइप करोगे ऑटो तो करेक्ट अपने आप कर देगा एक ऑक् एक और कन्वर्जन होती है कि जब हम क्या कर देते हैं ईमेल आईडी टाइप करना चाहते हैं हाइपर लिंक में कन्वर्जन हो रही है अगर इस कन्वर्जन को रोकना चाहते हैं क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद कुछ नहीं होता रोकना चाहते हैं तो प्रूफिंग के अंदर ही ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ही दूसरा टाइप है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप यहां पे इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपर लिंक है इसको अनचेक कर देंगे तो हाइपर लिंक में चेंज नहीं होगा ठीक है जी तो इस तरह से आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं उसके अलावा सेव की सेटिंग है हमारे पास अब जैसे कि मैं इस फ़ाइल को सेव एज करता हूँ तो आप देखेंगे मेरी फ़ाइल में जो आ रहा है सेव एज टाइप आ रहा है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है वो आ रही है डेस्कटॉप की ठीक है जी तो इन सब को हम कहाँ से सेट कर सकते हैं फाइल में ऑप्शन में सेव के अंदर तो यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं अब जैसे कि मैंने बताया अब ये एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट क्या होता है ये इन सब फॉर्मेट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे वर्कबुक फॉर्मेट होता है आपका 2007 में नया फॉर्मेट आया था एक्सएल एस एक्स फॉर्मेट ठीक है जी जो कि 2003 में नहीं चलता था तो उसके लिए इन्होंने एक और फॉर्मेट दिया था एक्सएल एस फॉर्मेट के लिए ये है एक्सल नाइनटी सेवन टू थाउजेंड थ्री वर्कबुक ठीक है जी मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का क्या फॉर्मेट है कि मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में एक जैसे वर्कबुक सेव होती है आपकी और मैं अगर मैक्रो इसमें लिख देता हूँ कहीं डेवलपर में जाके और यहाँ विजुअल बेसिक में कुछ कोडिंग वगैरह कर देता हूँ इस फाइल को सेव करूँगा तो मेरा मैक्रो उड़ जाएगा एक्सेल नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट में तो उसके लिए जो मुझे फॉर्मेट चूज़ करना होता है वो एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड फॉर्मेट चूज़ करना पड़ता है ताकि मेरी वी की मैक्रो मेरे वहाँ पर सेव रहे ठीक है जी इसके अंदर एक और फॉर्मेट होता है जैसे आप बहुत हैवी फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके 100 एम की फ़ाइल को 150 सौ की फाइल को 10 या 15 एम में कर देगा फ़र्क क्या है दोनों में एक्सेल के जो बाकी फॉर्मेट हैं वो जो सेव होते हैं बैकग्राउंड में वो एक्स फॉर्मेट में होते हैं बैकग्राउंड उनकी लैंग्वेज होती है वो एक्स होती है पर एक्सल बाइनरी वर्कबुक का जो फॉर्मेट होता है वो बाइनरी में होता है जीरो वन में मशीन लैंग्वेज में इसलिए बाइनरी फॉर्मेट छोटा होता है ठीक है जी इसके अलावा और भी फॉर्मेट है इसमें टैंपलेट्स क्या होती हैं एक्सल टेम्पलेट हाँ जी सब कुछ वर्किंग वैसी ही रहेगी कोई चेंज नहीं है सब कुछ चलेगा उसमें सब चलेगा सब बस साइज छोटा हो जाएगा ये लगा ली कंप्रेस्ड एक्सेल बन जाएगी आपकी बस ठीक है मैक्रो भी चलेगा सर इसमें हाँ ये सब चलता है इसके अंदर हाँ 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 को किसी में किसी भी उस पर चलेगा ये एक्सेल बाइनरी वाला किसी पे भी चलता है टेम्पले <laughs> <laughs> चलो सर अभी और भी बता रहा हूँ एक और होता है हमारे पास हम लोग ना एक्सेल टैम्पलेट्स यूज़ करते हैं टैंपलेट का भी यूज़ करते हैं कि आपने कोई फॉर्म या फॉर्मेट बना दिया और आप चाहते हो कि आपके टैम्पलेट को कोई ख़राब ना करे तो जब भी आप एक्सेल टैंपलेट में फाइल को सेव करते हो वो बंदा उस फाइल को सेव नहीं कर पाएगा मतलब कि जब भी वो खोलेगा चेंजेस करने के बाद जब भी वो सेव करने चलेगा उसके पास सेव एज का ही ऑप्शन आएगा करंट फाइल में सेव नहीं कर सकता मतलब एक्सेल में आप फॉर्मेट बनाने के बाद एज ए टेम्पलेट सेव कर दो तो वो उस फाइल में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा जो भी चेंजेस करेगा सेव करने की कोशिश करेगा तो नया फॉर्मेट बार बार पूछेगा कि किस में करना है ऐसे ही आपके मैक्रो इनेबल्ड भी टेम्पलेट होते हैं ठीक है जी उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने डिफॉल्ट लोकेशन बताई तो उसका पाथ आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पे जो पाथ देंगे वो आपकी फाइल डिफॉल्ट लोकेशन वही ओपन करेगी ठीक है जी सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एक है इसमें कि दस मिनट में आपकी फाइल अब जब आप हैवी फाइल के साथ काम करते हैं कई फाइलें खुलने में ही दस मिनट ले लेती हैं या ज्यादा ले लेती हैं अब उसके बाद इन्होंने एक लगा रखा है कि दस मिनट में इनको ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन भी सेव करना है मतलब ये हर बार सेव करता रहता है दस मिनट में ऑटोमेटिक तो वो फाइल ऑलमोस्ट हैंग रहेगी तो उसके लिए क्या कर सकते हैं या तो इसका टाइम बढ़ा दें 120 मिनट तक बढ़ा सकते हैं हम ऑटो रिकवर का टाइम अदरवाइज हम डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ओनली यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं जितनी भी ओपन वर्कबुक होगी आप यहाँ से टम्प्ररली डिसेबल कर सकते हैं ऑटो रिकवर ऑटो रिकवर की लोकेशन कौन सी होती ये वाली होती है पर आप शायद इस लोकेशन पर जाओ तो आपको कुछ ना मिले क्योंकि जब सिस्टम क्रैश करता है और जब आप फाइल ओपन करते हो तो वहाँ से पूछ लेता है राइट साइड लेफ़्ट साइड पेन में डू यू वॉन्ट टू रिकवर दिस फाइल अगर नहीं करते हैं तो वहाँ से डिलीट कर देता है पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी फ़ाइलें एक ऑप्शन इसके अंदर ऐसा आया है कि ऐसी फाइलें आती हैं हमारे पास जैसे मैंने दस मिनट काम किया कुछ भी फाइल के ऊपर और उसके बाद उसको सेव नहीं किया क्लोज कर दिया <coughs> फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता पड़ रहा है कि मुझे उस फाइल की दोबारा जरूरत है तो अब तो मैंने वो सेव की नहीं है कहां से वापस आएगी तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है 2010 में भी आ गया था ये फाइल में इन्फो के अंदर मैनेज वर्जन इसके अंदर आपके पास होता है रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक तो रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक में जैसे मैं खोल के देख रहा हूँ तो आप डेट मोटिफाइड से देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी वर्कबुक है जो आपने सेव नहीं की थी ठीक है जैसे कि आज मैं बताऊँ कि मैं बारह बजे के ग्यारह इकतालीस बजे के आसपास मैं इस फाइल पे वर्क कर रहा था जो मैंने सेव नहीं की थी ये आपको ये डाटा निकाल के दे दिया इसने ठीक है जी तो जो भी आपकी वर्किंग है वो अनसेव्ड वर्कबुक ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं मिल जाए मतलब किस्मत है मिल भी सकता है आपको ठीक है इसके अलावा आगे के ऑप्शन देखते हैं लैंग्वेज में कुछ नहीं है एडवांस में देखते हैं कई बार आप जब एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्जर है वो कहीं भी इधर उधर भी जा सकता है तो यहाँ की सेटिंग होती है उसकी जब आप एंटर प्रेस कर रहे हैं तो कर्ज़र कहाँ जाएगा डाउन में राइट में अप में लेफ्ट में यहाँ आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कई बार ये ऑप्शन इनेबल होता है ऑटोमेटिकली इंसर्ट एट डेसिमल पॉइंट इसमें क्या होता है कि जैसे मैं चार डिजिट डाल रहा हूँ तो दो डेसिमल ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देगा तो ये अगर एरर आ गई तो समझ जाइए कि ये वाला ऑप्शन आपका ऑन हो चुका है यहाँ से एडवांस के अंदर होता है कई बार क्या होता है कि सर जैसे ये ड्रैग का साइन दिख रहा है आपको ब्लैक डॉट ये ब्लैक डॉट आता आता नहीं है कभी हम मतलब ड्रैग नहीं कर पाते 2003 में तो ये आपको दिखाई देगा पर फिर भी आपको ड्रैग नहीं करने देगा कुछ भी ये क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे ये एरर क्यों आती है यहाँ पे इनकम टैक्स के कुछ इंडिया में चलती हैं फाइलें एक्सेल की जिसके अंदर ये मैक्रो डिसेबल हो जाता है जो कि जीए एरर मैंने मोस्टली उन्हीं के साथ देखी है तो बेसिकली वो एक ऑप्शन होता है इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैगन ड्रॉप का ये वाला तो ये ऑप्शन अगर ऑफ होगा तो आपका ड्रैग नहीं चलेगा इसको आप इधर से इनेबल कर सकते हैं अब जितने भी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको एज़ इट इज़ वैसा कर दीजिए क्योंकि अगर आप भूल गए तो फिर ये तो आप इसको री भी कर करेंगे तब भी कई बार सही नहीं होता है ठीक है जी ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको आ, लगता है काम के हैं वो आपको यहीं इसी सेटिंग में मिलेंगे एडवांस की मेन मेन मैं बता दे रहा हूँ आपको जैसे ग्रिड लाइन कलर है अब ग्रिड लाइन कलर ये ऑप्शन और कहीं नहीं होता ये आपका सिर्फ यही होता है ठीक है ग्रिड लाइन कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम जनवरी फरवरी को ड्रैग कर सकते हैं कर सकते हैं संडे मंडे ट्रैक कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे जहाँ ये ऑप्शन है वहीं से मैं ये नाम भी ड्रैग कर सकता हूँ सिटी भी ड्रैग कर सकता हूं ठीक है जी तो कहने का मतलब है जहां ये लिस्ट पड़ी है वहीं मैंने अपनी लिस्ट भी पकड़ा दी है ये होती है? ऑप्शन में एडवांस में सबसे नीचे जाएंगे एडिट कस्टम लिस्ट अब एडिट कस्टम लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको कुछ लिस्ट पहले से मिलेंगी संडे मंडे की जनवरी फरवरी की ये डिसेबल होती हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते ये सिस्टम की एंट्रीज होती हैं आप खुद से कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू लिस्ट पे जाएं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दें वो वाली लिस्ट या आपने उसके अंदर लिखी हुई हैं इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल से तो ये ऑप्शन क्लिक कीजिए यहाँ से सिलेक्ट कीजिए इधर से जाइए आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसको फिर ऐड ओके करेंगे तो इनमें से कोई भी नाम डालेंगे उसको ड्रैग कर सकते हैं फिर आप ठीक है जी उनमें से कोई भी नाम जो बीच का डालेंगे वहाँ से नीचे वाली लिस्ट बना देगा और बाकी फिर उसके बाद उसके ऊपर वाली रिपीट करता रहेगा ठीक है जी आगे ऑप्शन देखते हैं कस्टमाइज रिबन अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैं डेवलपर में जा सकता हूँ यहाँ से मैक्रो खोल सकता हूँ विजुअल बेसिक तो डेवलपर आपके पास नहीं आता है व, ए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है डेवलपर को लाने के लिए आपको फाइल ऑप्शन कस्टमाइज़ रिबन में जाना पड़ेगा और यहाँ से ये यह जो डेवलपर टैब है ये अनचेक होगा इसको चेक करना होगा तो ओके okay करेंगे तो आपकी डेवलपर टूल बार आ जाएगी इसके अंदर आप के ऑप्शन है जिनको आप नए टैब भी बना सकते हैं यहाँ से नए ग्रुप बना सकते हैं ऑप्शन जो भी हैं आपके यहाँ पे आ जाते हैं पॉपुलर कमांड में ऑल कमांड्स में फाइल टैब में मतलब आपके पास टैब वग़ैरह होते हैं तो स... मेन टैब तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन करके न्यू टैब क्रिएट करके उसके अंदर डाल सकते हैं ठीक है अपना मतलब रिबन बना सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑप्शन के लिए ठीक है जी क्या चीज सर हाँ जी हाँ पावर पॉइंट में अच्छा बीच में वो आपका जो होता है सर वो स्लाइड मास्टर होता है एक हालांकि मुझे पावर पॉइंट ज़्यादा आता नहीं पर एक स्लाइड मास्टर करके होता है जिसके अंदर आप ये सब सेट कर सकते हो स्लाइड मास्टर मास्टर स्लाइड इंसर्ट एनिमेशन स्लाइड शो रिव्यू हाँ वो स्लाइड मास्टर में होता है सर मैंने किया हुआ है वो पहले उसमें आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं वो आप कितनी भी हेडिंग तक जाना है जैसा भी है वो हर एक की सेटिंग हो जाती है <coughs> नंबर्स को पिक्चर में मतलब कैसे चलो सर उसके इसके बाद देखते हैं उसको आपकी स्क्रीन जब देख पाऊंगा मैं अभी तो इस स्क्रीन इसमें नहीं देख सकते ठीक है सर मैं अपना ये वाला सेक्शन ख़त्म करता हूँ ऑप्शन आप्ष, में तो कस्टमाइज रिबन के अंदर हम रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार होती है ये आपके ऊपर में यहाँ तो यहाँ कोई जो आप नॉर्मली ऑप्शन यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो जैसे मैंने कॉपी का डाल रखा है कोई और डालना चाहे फिल्टर डालना चाहे ऐड कर सकते हैं तो ये यह आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं उसके बाद होता है आपका एडिन्स एडिन्स में आपके दो तीन तरह के एडिस् होते हैं एक एक्सल एडिन होते हैं जैसा कि मैंने बताया कि हम एक्सेल में एक्सल एडिन कौन से होते हैं जो एक्सेल की मैक्रो फाइल होती है एक हमारे पास फॉर्मेट भी होता है जैसा कि मैंने बताया कि मैक्रो को कंटेंट करने के लिए एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होती है तो एक एक्सेल एडिन का भी फॉर्मेट होता है ये क्या करता है खाली मैक्रो को सेव करता है एक फ़ाइल में मतलब इन बनाता है उसमें वर्कबुक नहीं सेव होती तो उस मैक्रो को अगर आपको किसी फाइल के अंदर यूज़ करना है तो हम एक्सेल एड इन के ज़रिए उसको ऐड करते हैं एक्सेल एड इन गो और यहाँ से आपको ब्राउज़ करना होगा वो ये मैंने बनाया हुआ था एक एड इन ओके किया यहाँ और इसको जाके मैं कुक एक्सेस या कस्टमाइज़ के जरिए यहाँ मैक्रो से वो मैक्रो मुझे यहाँ दिखाई देगा और इसको ऐड कर सकता हूँ उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने पे मेरा ये मैक्रो चल गया ठीक है जी तो इस तरह से हम एडिशनल फंक्शनैलिटी एक्सेल में एडिंस के ज़रिए जोड़ सकते हैं 2013 में ही कॉम एडिंस हैं कुछ आपके जिसमें आप पावर व्यू पावर पाइवट और दो चार अलग अलग फंक्शन आप ये लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि नए फंक्शन इसमें आए हैं टू में इसके बाद ऑप्शंस में ही जाते हैं आगे ट्रस्ट सेंटर ट्रस्ट सेंटर में सारी इनकी सेटिंग होती है अब सिक्योरिटी सेटिंग कि क्या चीज चलनी है क्या चीज नहीं चलनी है. हाँ जी हेलो <गण> हाँ नहीं वो आपको एड इन फाइल वहाँ पे देनी होगी क्योंकि जितनी सेटिंग में बता रहा हूँ ये खाली आपके एक ही सिस्टम पे चलेगी तो अगर ऐसा कोई एड इन है तो आपको वहीं पे जाके ऐसे ही अटैच करना पड़ेगा क्लाइंट पे हाँ 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 हा, हा। नहीं मैक्रोस तो चल रहे थे पर ये हैं अलग होते है। मैक्रो हाँ, फाइल तो बना सकते हैं मैंने क्या बताया कि एड इन फाइल वो होती हैं जिसके अंदर सिर्फ मैक्रो होता है वर्कबुक नहीं होती है तो वो एडिशनल फंक्शनैलिटीज को ऐड करने के लिए हम लोग एड इन का यूज करते हैं और इसी तरह से ऐड ही होते हैं किसी के भी सिस्टम में होंगे ऐसे ही होंगे ठीक है जी हाँ हाँ ये एडिंस का फायदा होता है कि ये मैक्रो कहीं भी चल सकते हैं फिर कोई मतलब एक फाइल स्पेसिफिक नहीं होते ठीक है जी तो ट्रस्ट सेंटर के मैं बता रहा था कि क्या होता है बाकी पांच ऊपर के चार पांच छोड़ दीजिए एड इंस अगर आपके एडिनस डिसेबल है यहां से तो एड इन आपके वर्क नहीं करेंगे ठीक है जी एक्टिव एक्स सेटिंग एक्टिव एक्स सेटिंग आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर कई बार गेम चलती हैं कई बार टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स लगे होते हैं कुछ तो अगर एक्टिव एक्स सेटिंग डिसेबल होंगी तो आपके कंट्रोल्स नहीं चलेंगे एक्टिव एक्स कंट्रोल कौन से होते हैं आपके वी वाले जो कि आप देखोगे ये डेवलपर के अंदर यहाँ पे ये एक्टिव एक्स कंट्रोल है ठीक है जी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह तो ये सब अगर नहीं चल रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं से कुछ ब्लॉक्ड है वो आपका यहीं ट्रस्ट सेंटर से ही जाके ठीक होगा मैक्रो सेटिंग अगर मैक्रो डिसेबल है तो भी नहीं चलेंगे प्रोटेक्टेड व्यू आते हैं इनेबल प्रोटेक्टेड व्यू आपने देखा होगा मेल से आती हैं कोई फाइल आती है प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती हैं चाहे तो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं एक्सटर्नल कंटेंट कोई भी आप डाटा कनेक्शन बना रहे हैं एस से डाटा ले रहे हैं एक्सेस से ले रहे हैं किसी अदर एक्सेल फाइल से ले रहे हैं तो अगर ये डिसेबल होंगे तो कोई भी कनेक्शन वर्क नहीं करेंगे इसी तरह जब भी कुछ ब्लॉक होता है तो हमें मैसेज बार दिखाती है पर मैसेज बार खुद ही ब्लॉक होगी तो मैसेज बार भी नहीं दिखाएगा ब्लॉक कंटेंट के बारे में ठीक है जी तो ये थे आपके कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस ठीक है जी तो इसके अंदर बाकी शॉर्टकट्स मैंने बताए थे कल क्या पहले वाली क्लास में शॉर्टकट्स कैसे लगा हाँ तो मैं एक बार शॉर्टकट्स भी बता देता हूं शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करते हैं फिर अपना सेशन ये ख़त्म करेंगे आज का तो शॉर्टकट्स के लिए मैंने बता मैं जैसे आप एक्सेल में कोई भी शॉर्टकट लगाते हैं उसके दो तीन मेथड होते हैं एक तो है कि पहले आप माउस लेके जाइए किसी भी ऑप्शन पे अगर उसका शॉर्टकट होगा तो यहाँ पे बता देता है ठीक है कंट्रोल भी आ रहा है स्क्रीन इसमें आ रहा है पर हर एक का नहीं बताता है अब मान लो मुझे करना है कि ऑल बॉर्डर्स करने हैं ठीक है जी अब ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या शॉर्टकट बनेगा आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट की ऑल्ट की जैसे ही प्रेस करेंगे आपको कुछ कीवर्ड्स दिखेंगे यहाँ पे जैसे होम के लिए एच इंसर्ट के लिए एन तो मेरा बॉर्डर्स जो है होम के अंदर है तो मैं दबाऊंगा एच ठीक है एच प्रेस कर दिया मैंने ये आपका खुल गया बॉर्डर्स के लिए क्या आ रहा है बी ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या आ रहा है ए तो ऑल्ट एच बी ए करते ही मेरा ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो गया ठीक है जी ऐसे ही मर्जें सेंटर करना है ऑल्ट एच एम सी अनमर्ज करना है ऑल्ट एच एम यू तो इस तरह से आप जो भी शॉर्टकट्स हैं थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए कायम करते हुए माउस को बगल में रखिए और ऑल्ट की, की के जरिए नेविगेट करने की कोशिश कीजिए जैसे फिल्टर लगाना है ऑल्ट डेटा में जाना है ए फिल्टर्स टी तो ये फिल्टर लग गए ठीक है जी तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत थोड़े ही दिनों में वो शॉर्टकट्स आ जाएंगे जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ठीक है जी एक और शॉर्टकट होता है हमारा जैसे कि हम ये नंबर का डायलॉग बॉक्स देखते हैं फॉर्मेट सेल का या कोई भी डायलॉग बॉक्स है उनको चलाने का तरीका अलग होता है इसमें जो याद रखने वाली की है वो है टैब तो जैसे आपको इनमें जाना है टैब की प्रेस करेंगे तो ये फोकस चेंज करता रहेगा अपना ठीक है जी वन बाय वन फोकस चेंज कर रहा है टैब शिफ्ट करेंगे रिवर्स में जाएगा शिफ्ट दबा के रखेंगे टैब वन बाय वन प्रेस करेंगे तो रिवर्स में जाएगा कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे टैब दबाएंगे तो इन टैब्स में नेविगेट करेगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के टैब दबा लेंगे तो वापस आ जाएगा ठीक है अब जैसे मान लो आपको रैप टेक्स्ट करना है यहाँ डायरेक्ट जाना है इस ऑप्शन में तो टैब में तो याद रखना पड़ेगा कितने टैब मारने डायरेक्ट जाना है उसके लिए आप देखोगे कि हर एक ऑप्शन है उसके नीचे एक अंडरलाइंड कैरेक्टर है एच है यहाँ पे यहाँ पे वी है यहाँ पे डब्ल्यू है यहाँ पे के है तो इसमें क्या करना है जैसे रैप टेक्स्ट करना है तो ऑल्ट दबा के रखना है यहाँ पे और वो अंडरलाइन कैरेक्टर प्रेस करना है तो आपका एक ही बार में वो शॉर्टकट लग जाएगा उसके बाद ये जो ब्लू एरिया देख रहे हैं इस पर इसका मतलब है कि ये बटन एंटर पे एक्टिवेटेड है तो जब आप एंटर दबाएंगे तो ओके OK दबेगा और बाय डिफ़ॉल्ट कैंसल जो है एस्केप पे रहता है ठीक है जी तो ये कुछ मेथड है जिनके ज़रिए आप शॉर्टकट पे हाथ साफ कर सकते हैं जैसे कि इसमें हमें आया पेज सेटअप में जी दिखा रहा है मुझे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुला है लैंडस्केप करना, करना, okay करना है ऑल्ट एल फिट टू वन करना है ऑल्ट एफ ओके करना है एंटर तो मेरा ये सेट होके आ गया एस्केप किया बाहर चला गया मैं ठीक है उसके बाद आपको ये चाहिए कि एक लिस्ट में जो मिल जाए यार शॉर्टकट की वहां से फिर मैं ये राइट याद कर लूँ कि ये कंट्रोल वाले शॉर्टकट कौन से हैं कैसे हैं। तो उसके लिए क्या कीजिए कि अपने कीबोर्ड से दबाइए F1 अब जब F1 दबाएंगे तो एक हेल्प फाइल खुलेगी एक्सेल की और इसमें डाल दीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट शॉर्ट कट कीबोर्ड शॉर्टकट्स सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कीबोर्ड बोर्ड शॉर्टकट्स इन एक्सेल तो इसके अंदर आपके पास पूरे वो कंट्रोल वाले जितने भी शॉर्टकट हैं सारे आ जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल वन ये सब सारे एक्सेल के शॉर्टकट आप देख पाएंगे ठीक <coughs> है जी तो यहां आपको शॉर्टकट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी अगर आपको विंडोज के शॉर्टकट सीखने तो विंडोज में भी जाके यहाँ डेस्कटॉप पे जाके एफ वन दबा दीजिए यहां पे कीबोर्ड शॉर्टकट कर लीजिए यहां पे आपको विंडोज के शॉर्टकट मिल जाएंगे अगर आप भूल गए हैं तो स्पेलिंग गलत हो गया कीबोर्ड शॉर्टकट्स नहीं, 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 नहीं। अच्छा हाँ जब ही नहीं मिल रहा <coughs> माउस एंड कीबोर्ड ये विंडो एट के हैं विंडो लोगों की के शॉर्टकट वो awesome. सब ठीक है जी तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें आपको शॉर्टकट वगैरह मिल जाते हैं विंडो एट में ज़्यादा नहीं है पर कुछ भी जो भी है आपको ऐसे ही से मिल जाएंगे ठीक है जी तो आज का सेशन अपना यहाँ समाप्त करते हैं